और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मतलब ये सरासर धोखा हुआ है हमारे साथ। देखिए ये दो नंबर में खींच ही नहीं रहा है गाड़ी, एक नंबर में ही खींचेगा। रोड देखो अरे भैया पैदल नहीं चल सकता है कोई इसमें, मतलब बहुत मुश्किल है। अब मेरे राइट साइड में देखो वो क्या बात है। अरे भाई साहब सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पारसनाथ। जैसा कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया था रांची से पारसनाथ का, तो अभी अभी आप देख सकते हैं हम लोग हैं पारसनाथ के नीचे और अब शुरू करने वाले यहां का ट्रैक जो कि काफ़ी अमेजिंग रहेगा। आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देंगे हम कि आप जैसे कि पारसनाथ आते हो तो क्या क्या आप लोगों को लेना चाहिए, कैसे क्या करना है, सारा कुछ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी और आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले तो गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और शुरुआत करते हैं सफर की। ओ दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है पारसनाथ का ट्रेकिंग, लेकिन हमें मिला है ये बाबू। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव, इसका यहाँ पे खटाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड है बगल में और इस रोड के बगल में इसका खटाल है, तो इसने मेरी गाड़ी को पार्किंग में लगाया है। ठीक है, और गाड़ी का पूरा ध्यान रखोगे, हेलमेट वेलमेट सब कुछ रखवा दिया है, तो कभी भी आप यहाँ पे आते हो ना तो इससे जरूर कॉन्टेक्ट करना। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे छोले भटूरे, भूख लगी है जोर की। छोले भटूरे यहाँ पे, और छोले भटूरे का यहाँ पे परोसने का एक अलग डिजाइन है पेपर में, है ना, तो हम खाते हैं छोले भटूरे, तब तक आप इंजॉय कीजिए हमारा टाइम लैप्स। सो गाइज ऑफिशियली हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, अब हम एंटर करने वाले हैं पारसनाथ द्वार पे। सो खाना वाना हमने खा लिया कुछ, अगर आप नीचे आते हो तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह कर लेना और पानी बॉटल और कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेना, क्योंकि यार देखो पहाड़ों में हर चीज़ महंगा हो जाता है, एज पर बजट सारा कुछ करना। बहुत मज़ा आएगा इस ट्रक में, और मेरा भी मन था कि हमें गाड़ी ले जाने ना दे ऊपर ताकि हम पैदल ट्रैक करके, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, करीबन वैष्णो देवी का आधा है ये, बहुत मज़ा आएगा भाई। देखो यार दोस्तों बात ऐसा है कि हमारे साथ हमेशा ट्रेजिडी होता है, अभी ये ट्रेजिडी हुआ कि वहाँ पे हम चढ़ने वाले थे तब तक रणविजय भैया का कॉल आता है। क्या कॉल आता है? रुको साथ में ट्रैक रुको साथ में ट्रैक करेंगे, वो मतलब कि करीबन 50 किलोमीटर आगे पहुंच गए रांची से, बताओ यार ऐसा ऐसा सीन हो जाता है। तो अभी हमने प्लान किया है इधर जो मंदिर वगैरह है इन सब को पहले एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रैक। आज रात होने वाला है और ये रात यादगार रहेगा यार, बहुत मजा आएगा। दोस्तों इस मंदिर में हम लोग आए हुए थे यार, बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब एक से एक चीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यार बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर है। और मतलब यहाँ पे हम लोग हल्का सा भी बोल रहे हैं ना तो ये पूरा गूंज रहा है जी आवाज़। इस वाले मंदिर में यार बहुत ही शांति मिला जाके, अब हम लोग चल रहे हैं इस वाले में देखते हैं यहाँ पे क्या है।
दोस्तों बात ऐसा है कि काफ़ी बढ़िया लगा क्या, किसी धार्मिक स्थल पे आके बहुत दिन हो गया था गया हुआ, तो बहुत शांति मिलता है यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। देखिए समय हो गया है करीबन 11:30 का और हम अभी तक नीचे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नीचे है? सीन ऐसा गजब हुआ है कि वो लोग हम लोग को सरप्राइज देने के चक्कर में 4-5 लोग निकले हैं रांची से आने के लिए यहाँ पे, लेकिन हमें ये बात पता चल गई है। पता कैसे चली है वो तो खैर आप ही लोग समझिए, भाई जो लोग आ रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। सो अभी हम लोग 1-2 घंटे वेट करेंगे यहाँ पे, 2 घंटे और सब साथ में चलेंगे भैया ऊपर, यानी कि आज रात हो जाएगा उतरने में, गजब हो। यहाँ पे एक भैया है काफी हेल्प कर रहे हैं हमें, काफी चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तो हेलो, तो 12:25 हो रहे हैं और सूरज देखो उधर चल गया और हम लोग अभी तक बैठे ही हुए हैं यार। सूत्रों से खबर मिली है कि वो लोग डुमरी पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट। कुंदन यहाँ पे अपना क्लास भी कर ले रहा है, सब कुछ हो जा रहा है यार, बस जैसे ही वो लोग आते हैं निकलता हूँ। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, 2:05 बाकी है और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मतलब ये सरासर धोखा हुआ है हमारे साथ। देखिए क्या हुआ है। अच्छा धोखा सभी... हुआ है ना, सरप्राइज हुआ, आप ही डिसाइड करिए। धोखा सरप्राइज हुआ है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया था ना कि मुझे खबर मिल गया है सूत्रों से। तो जैसा कि सभी लोग आ गए, कनक भैया, रणविजय भैया, कौशल भैया, कैसे मूड बन गया सुबह को नहीं छोड़ दिया क्या? सुबह कैसे मूड बन गया? बस बन गया मूड का क्या है। तो अच्छा देखिए सब आ गए, अब जहाँ अकेले हम लोग चलते वहाँ पे सभी लोग आ गए, तो अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब प्लान क्या है हम लोगों का? प्लान है कि हम लोग बाइक से चलते हैं 17 किलोमीटर आ जाएगा, फिर प्लान बता दिए, प्लान ट्रैकिंग कर रहे हैं, बाइक नहीं लगा के चल रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, हां कट मारिए, एक मिनट बोलिए ना, फोन हारमोनियम बजा दिया, कॉपीराइट आ जाएगा, अरे बोलिए ना फोन कर। हां तो डिसीजन ये हुआ है कि हम लोग बाइक से चल रहे हैं, ऊपर बाइक लगा के हम लोग घूमेंगे 17 किलोमीटर जैसा कि बताया गया है। बाइक पे हम लोग 17 किलोमीटर जा सकते हैं और 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा। तो मजा आएगा, ऊपर जाके सनसेट भी, सनसेट वगैरह देख के और फिर हम लोग नीचे उतर जाएंगे। लव योर फैंस। और भी प्लान्स बहुत है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पारसनाथ का ट्रैक। फिलहाल हम लोग बाइक से निकलते हैं, तो चलिए जहाँ पे बाइक पार्किंग में लगाए थे वहाँ से निकलते और शुरू करते हैं अपना सफर। अब सारे अपने लोग आ गए तो मजा दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सब। सो फाइनली गाइज यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक। यहाँ पे बैरियर है, क्या है? हाँ ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को कुछ चार्जेस लेंगे लोकल, तो 500 रुपये दे दीजिएगा यार, क्योंकि यही लोग जो यहाँ का क्लीननेस वगैरह का ध्यान रखते हैं। बिना हेलमेट की वादियों का मजा लेंगे। हाँ 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 चलिए चलिए जी। तो शुरू हो गई है हमारी पारसनाथ हिल्स की राइड, बहुत मजा आने वाला है भाई। मैं लीड करता हूँ, देखता हूँ, मैं तो भैया को भेज देता हूँ, आप लीड कीजिए, आगे आगे रहिए जी, बिल्कुल हॉर्न मारिएगा, है ना, हॉर्न मारने को बोला है। तो देखते जी कैसा रोड है, कैसे जाना है। शुरुआत में ही घाटी आ गया और यहाँ पे देखो बजरंगबली दिखना शुरू हो गए, वो भाई साहब, मतलब कुंदन बाबू मैं सोच रहा हूँ कि पैदल अगर हम लोग आते तो, मतलब 2-3 आंटी हमें मिली थी, उन्होंने बोला कि आधे में ही हम लोगों ने वापस हो गया। तो यार सच में ऐसा हो सकता था क्योंकि 10 किलोमीटर बहुत बड़ा है और नीचे देखो क्या बेहतरीन मंदिर है, मतलब कोई कोई मेरे को बता रहे थे वहाँ पे गार्ड साहब लोग कि ये जो मधुबन है ये सिर्फ मंदिर का गढ़ है, जैनियों का धर्म स्थल जितना है, सिर्फ मंदिर भरे हुए, सिर्फ मंदिर। तो बाकी अच्छा तो आपको गूगल बता देगा मेरे से, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो आप इंजॉय कीजिए हमारा इस ऑफ रोडिंग भरे राइड का। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, नीचे का नज़ारा और भी कमाल होते जाएगा जी, और ठंड बढ़ते जाएगी, अभी भी ठंडी हवा लग रही है और टेम्परेचर 4 डिग्री के करीबन पहुँच रहा था यहाँ का। यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ से राइट लेना यार, देखो कितना भयानक है ना चढ़ान, हो
वाओ रोड्स अच्छे हैं यार, ऊपर चल के पता चलेगा कि क्या है। मतलब वैष्णो देवी का भी ट्रैकिंग कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसका कुछ बात ही अलग है यार, निराला है। पतले पतले रोड से हमें बोले गए कि ओ भाई साहब, सिर्फ हॉर्न बजा के ही चलने के लिए बोला गया है। ओ सच में यार, ये तो काफी खतरनाक है। हो हो हो, ये घाटी को तो देखो। गजब का रोड। और पता नहीं मेरा फ्यूल मेरे को सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि फ्यूल जो है पूरा खत्म हो गया है, और मेरे को ध्यान में ये नहीं था कि हम बाइक लेके जाने वाले हैं। अब देखते हैं, उम्मीद तो है जी कि ये कर लेगा। तब इतनी चढ़ान तो वैष्णो देवी में भी नहीं है। मतलब अगर आप वैष्णो देवी गए हो ना, तो उसका डबल स्टिप है ये। ओ भाई गजब, और यहाँ पे पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है, आप देख सकते हो। जो लोग चल के नहीं जा सकते वो पालकी में जा सकते हैं, आप देख सकते हो। तो भाई गाड़ी तो सिर्फ एक और दो की गियर मांग रही है, दो में भी नहीं चढ़ पा रही है यार। ये देखो ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा। और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ यार, पैदल आ रहे हैं, पैर उनका पूरा फूला फूला हुआ है। मतलब क्या हाल हुआ होगा भाई। ओ भाई ये गजब है ये। ये देखो आपको रास्ते में ऐसे ऐसे मंदिर मिलते हुए चलेंगे। पार्श्वनाथ जो मंदिर है वो सबसे टॉप में है, ऐसे बहुत सारे मंदिर आप लोगों को मिलेंगे। अरे भाई ये देखो भैया ऊपर, मतलब हाँ बुलेट से है भाई, बड़े लोग बड़े लोग। ये दो नंबर में खींची नहीं रहा है गाड़ी, एक नंबर में ही खींचेगा। रोड देखो, भैया एक बात बोलना था, हुआ क्या ना, वीडियो ऑन है बोल रहे हैं, हम टंकी फुल करवाए थे, तेल अगर खत्म हो गया तो ऊपर देना पड़ेगा। दलाल हो तो हमको पता है भाई, जिसने भी पैदल किया हुआ है ना उनको सल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी भी नहीं चढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है ये। अरे भैया पैदल नहीं चल सकता है कोई इसमें, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब चल सकता है, मतलब है ना। हाँ और बढ़िया से घूम भी लेंगे। चलिए भैया मेरा भी वीडियो बना लीजिएगा, कहीं रुकिएगा तो ऐसे में है ना, यूट्यूब में ऐसे में। हाँ ठीक है, आप लोग आगे लीड कीजिए। सब पता है, सब वीडियो में बीप बीप मारना पड़ेगा। उतना देर से हम लोग ऊपर आ रहे थे, अब ढलान में जा रहे हैं। अब भाई साहब थोड़ी सी भी अगर गलती हुई ना तो आप नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ेगा यहाँ पे। कभी भी आते हो ना यार तो हॉर्न को मद्देनजर में रखना, और एकदम नजरें वादियों की तरफ मत करना, क्योंकि हम कैमरे को वादियों की तरफ करते हैं, नजरें हमारी सीधी रहती है। और ऐसा ऐसा मतलब शेड आ रहा है बीच बीच में, जैसे कि छाया के लिए अगर ज़्यादा धूप होगा तो। मस्त है यार, मैं मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ये सब शॉर्टकट रास्ते बने हुए हैं ट्रैकिंग के। हाँ बारिश का हमें तो मस्त होगा ही, और बारिश में रोड समझिए ना कितना दिक्कत हो जाएगा। ओ यहाँ पे शायद पुलिस वालों ने रोका है हमें, पुलिस वाले हैं शायद, झारखंड आर्म फोर्सेस। मतलब इधर ही लगाना है,
सर उधर उधर, अच्छा अच्छा यहीं पर, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इसमें जाना है, अरे भाई साहब मजा आ जाएगा, देख रहे हैं उसको। ओ भाई साहब यहाँ पे सीआरपीएफ गोरखा वगैरह सब कुछ का कैंप है। एक्चुअली ये एरिया पहले थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता था जैसा कि बताया सर लोगों ने, तो थोड़ा सा रिस्की भी है। और वो जो पहाड़ी दिख रही है ना सबसे ऊपर, हम लोगों को वहाँ पे जाना है मतलब उस पहाड़ी में जाना है सबसे ऊपर भाई साहब, सिर्फ मतलब नीचे रहोगे ना तो सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक भी हम लोग जा सकते हैं। चलो देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं। देखो यार सब नंगे पैर में ट्रैक कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा बात है। हाँ एकदम एजेड है ना, बूढ़े लोग तक ट्रैक कर रहे हैं। जय गो माता। यहाँ पुल से राइट लेने बोला, लेफ्ट लेने बोला, यहाँ भी बहुत सारे पुलिस वगैरह है। छोड़ के इधर से ना, ठीक है इधर से कच्चा रोड हमने ले लिया, मतलब आर्मी वाले पुलिस वाले हर जगह दिखेंगे गोरखा वगैरह। और इस रोड की सवारी करते हम, पतला रास्ता है, थोड़ा सा कमर कस लीजिए है ना, थोड़ा बटन दबाते हैं गाड़ी का क्योंकि जल्दी ऊपर पहुंचना है जी, हॉर्न दे के चलना है ना। मतलब यार बालू बालू मिट्टी का इतना खराब रोड है, लेकिन जो रोज ले जाते लाते हैं यहाँ पे, बाइक की भी सुविधा उपलब्ध है, अगर आप आते हैं तो आपको कुछ पैसे लेके ये लोग पहुँचा भी देते हैं। तो ये लोग एकदम पूरा एक्सपीरियंस वाले, पूरा रेस में चलते। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टायर रोलिंग करने का, लेकिन क्या है ना कि मेरा जो आगे का जो टायर है वो पूरा खराब हो चुका है और उसे चेंज कर रहा है। मतलब इतना खराब हो चुका है कि कुंदन बाबू ने सुबह ये बोल के बेइज्जती की थी कि इसमें तो रोटी बेल जाएगी लेकिन कोई बात नहीं यार, वो टायर मैंने बहुत ही अच्छा चलाया, अब जाके चेंज कर दूंगा, नया टायर रखा हुआ है। लेकिन भाई साहब रोड जो है ना एकदम जहर जहर, ऐसे रोड में आपको ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ट्रॉटल और इंजन ब्रेकिंग का यूज करना है जी। पता है अपुन को यहाँ पे क्या मांगता है, एक बेहतरीन ऑफ रोडर, चाहे वो हिमालयन हो या एक्सपल्स हो, मतलब छोटा उतना बड़ा भी सपना मत दिखाइए अभी, वैसा बेहतरीन ऑफ रोडर और बस बाइक में खड़ा होके क्रूज करे एकदम रगड़ते हुए। भाई साहब क्या ऑफ रोडिंग मस्त है एकदम, और लंबी भी तो है ना, अच्छी खासी लंबी, और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, हाँ लेफ्ट की वादियां भी गजब है, थोड़ा और ऊपर जाने दो तब पता चलेगा यार। लेकिन वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, मिस नहीं करना, क्योंकि ओ मिस करोगे कैसे आप यार, सामने तो देखो, मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नीचे तो लग गया था कि पूरा शाम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो कैसा धूप है। और एक बात हम लोग बोलना चाहेंगे अपना ग्रुप को, जिसने जिसने भी मिस किया है यार, बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों ने मिस कर दिया, आगे देख रहे हो उस पे जाना है जी, और अभी भी फॉग से ढका हुआ है। सोचो शाम में अगर हम लोग सनसेट कैप्चर करेंगे तो क्या बेहतरीन, मतलब ऐसा रोड है, मतलब ऐसा रोड है ना कि एक गाड़ी रफ्तार में आएगी, देखो आ रही है, और उसी में पार होना है, और बगल में झाड़ी वाड़ी निकले हुए हैं डरावना भी है बहुत ही एकदम, आपको सफाई से बाइक चलाना होगा यहाँ पे, बहुत ही सफाई से, थोड़ा सा ये वो हुआ ना 80-90, 19-20 तो एकदम गिर जाओगे 80-90 बोल गेम ओवर मस्त रास्ता है। यहाँ पे एक दिन किसी बेहतरीन बाइक में आएंगे और पूरा रगड़ के जाना है इस रोड को, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है रोड ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ना कुछ दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है। झाड़ियाँ भी एकदम बड़ी बड़ी हो गई है, एक्चुअली ये झाड़ियाँ नहीं है ये जंगल है,
और इसे काट के बनाया गया ऐसा रोड, जंगली जानवर वगैरह कुछ भी मिल सकते हैं हमें यहाँ पे। लेकिन भाई सामने तो देखो और ऊपर मंदिर है ना, वो देखो वहां पे मंदिर अगर दिख पा रहा होगा कैमरा में तो, लेकिन सामने का व्यू तो देखो क्या लग रहा है भाई, अल्टीमेट। रोड भी है ना, तो रोड में भी आपको एक ही लाइन में चलना है, हल्का सा भी मतलब रोड़ी जो है ना, रोड़ी वाले में गए ना तो गिर जाओगे। अभी मैं बचा हूँ लेकिन गिरूंगा तो नहीं, कोशिश कर रहा हूँ इतना। देखो एक जैसे एक बाइक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से अभी इस रोड़ी में गाड़ी को मोड़ोगे तो गिरना तो है ही। मतलब पुराने लोगों से मैं मिलता हूँ तो हमेशा बोलते हैं वो लोग कि असली मजा तो तू ले रहा है ज़िंदगी का। इतने दिनों तक तो नहीं पता था, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि हाँ सच में असली मजा मैं ही ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, क्या क्या किया, त्रिवेदी जी का कहना है कि सुसु किए हैं, दिख रहा था रणविजय भैया थोड़ा सुबह भी उधर रणविजय जी का इसे कर दिए हैं को दे देना। दोस्त लोग रहते हैं तो मस्ती तो होती ही है, और फिर से सफर शुरू, खतरनाक रास्तों के बीच, खतरनाक इरादों के साथ। घनघोर जंगल है भाई, पूरा घनघोर। मतलब यार ये नहीं समझ में आ रहा, चलते जा रहे रोड खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है, और जैसे आगे आ रहे एक और पहाड़ दिख जा रहा है बड़ा सा, देख रहे हो कितना गजब का है। देखो जैसे यहाँ पे आए तो एक और पहाड़ दिख गया ऊपर, कहाँ तक ले जाएगा। गाड़ी का फ्यूल लेवल आप देख सकते हो, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता, अब जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम राय राय गजब गजब, मतलब मजा रहा है भाई साहब, ऑसम, क्या बात है। अरे भाई क्या बात है, मतलब आज लग रहा है कुछ किया है, आज लग रहा है हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ बेहतरीन किया है। तो भाई ये देखो गहने हैं, क्या कहने हैं, गहने ही नहीं है यार, और थोड़ा सा यहाँ पे फोटो शूट करते हैं, अभी तो बहुत ऊपर चलना है। अब मेरे राइट साइड में देखो वो, क्या बात है, और भी खतरनाक रोड आ गए हैं, बहुत जजमेंट करके चलाना पड़ रहा है। वो देखिए मंदिर, क्या बात है यार, हमें वहां पे जाना है, और पार्श्वनाथ मंदिर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर पे शीर्ष पे। ओ भाई मतलब देख के फील कीजिए, क्या बात है, वो देखिए वो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, वो सबसे ऊपर मंदिर है, और पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, क्या बात है यार। भाई 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 ये क्या है भाई, जितने पर्वत दिख रहे हर पर्वत के टॉप में एक मंदिर दिख रहा है ना, ओ भाई साहब कम से कम 50-100 मंदिर दिख रहा है, ये अद्भुत है, अद्भुत सच में। यहाँ पे कमांडोज है, बहुत सारे कमांडो अभी मिले थे। हाँ 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 व्यूइंग पॉइंट देखते हैं कहाँ से व्यू दिखता, ओ भाई गजब, गाड़ी भी नहीं चढ़ रहा है। अरे बंदा हेलो हनुमान जी। इधर ही कहीं लगता है गाड़ी लगा देना होगा हम लोगों को, क्योंकि यही लास्ट पॉइंट लगता है, इसके बाद ट्रैकिंग लगता है शायद। हाँ 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 भैया लोग तो रुके हुए, लेकिन भाई साहब मैं सबसे पहले आप लोगों को व्यू दिखा दूँ। ओ माय गॉड ये देखो सबसे पहले क्या व्यू है भाई, क्या व्यू, हम लोग कहीं वहाँ से आ रहे हैं ना। ओ भाई सच में
आइए 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 आइए। सो दोस्तों यहाँ पे होगी हमारी गाड़ियाँ पार्क, इधर लगा दीजिए। और ये सबसे ऊपर पे हम लोग पहुँचे हैं, नज़ारे देखो। और अभी हम लोगों की ट्रैकिंग शुरू होगी कुछ यहाँ से, और यहाँ से चलेंगे कुंदन बाबू हम धमाल करने, क्या मज़ा आएगा बहुत। चाय का आनंद लिया जा रहा है यहाँ, पता नहीं कब निकलेंगे, कब निकलेंगे ऊपर भाई। बस चाय निकले तो उधर से ठीक बराबर है ना, उधर के बराबर है सब ठंडा, किधर समझ रहे हो ना आपको एचपी एचपी यूके पूरा ब्लॉग बर्बाद कर दिए ये लोग सब, पूरा ब्लॉग बर्बाद कर दिए। फेंकिए फेंकिए। तो देखिए यहाँ पे क्या नौटंकी हो रहा है यार। अरे भाई साहब ये लोग कैसे ले जाएंगे मेरे, इस पे हेलमेट लगा दिया हूँ मैं बेल्ट पे। अरे घीचिएगा, ओ गजब, ये असली एडवेंचर है। शुभ भैया हमको पकड़िएगा, रुकिए हाथ लाइए। जय बजरंग बली, हा हा हा, गजब गजब गजब। अरे भाई साहब अल्टीमेट। आराम से आराम से। आए कैसे आए, रुकी गिर तो नहीं जाएगा, कैमरा पकड़िए। अरे भाई साहब, चलिए भाई फाइनली हमारा ऑफिशियल वाला ट्रैक शुरू हो गया है। और यहाँ इतना ही में हालत खराब हो गया। और देखिए बजरंग बली, जय बजरंग बली। और यहाँ से आप देख सकते हैं नजारे कितने बेहतरीन नजारे नजारे। यही मजा, इसी फायदे के लिए सभी लोग आए हैं। जबरदस्ती हाँ भी दिए 500 रुपए का तेल लेके जो हम लोग आए हैं ना, मत बुला रे। ऐसा हुआ क्या कि हम लोगों ने टंकी फुल करवाया था अपने गाड़ी में? हम लोगों ने नहीं सिर्फ मैंने सिर्फ मैंने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। चलो अरे बस कर ले। टंकी फुल करवाया था अपने गाड़ी में, यहाँ आके रिजर्व तो लग गया, लगता है 20-30 रुपए का पेट्रोल बचा हुआ है। नहीं मारा बाबा। तो भाई ये देखो क्या बात है यार, गजब। ऐसा ट्रैक चल रहा है यार, मतलब मैं सोच नहीं सकता था इतना बेहतरीन होगा आज का दिन, एकदम ही नहीं सोच सकता था यार। उत्कर्ष त्रिवेदी सर्च मान लीजिए, बहुत आता है। कैसे नजारे, नजारे अद्भुत। अपने भाई लोग से मिला, वेल कुछ लोग हमें मिले हैं, हम अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। तो भाई आप लोगों का नाम क्या है? रजनीश नाम हुआ। 20 रुपए का लाए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई गजब। ए भैया चुप रहिएगा। सो अब देखो, वाह वाह जी वाह। अरे वो वीडियो में देखिए ना, ऐसे ऐसे कर दिए। तो भाई कुछ दिख रहा है नहीं? अब देखो, अब तो दिख रहा होगा। क्या बात है, मतलब आप लोगों को मैं क्या क्या नहीं दिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है यार। कितना लंबा बन रहा है वीडियो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग देखते जाओ। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, नज़ारे और भी ब्यूटीफुल होते जा रही है सच में। उधर अगर आप देखोगे ना तो दूर दूर तक देखो रोड बने हुए हैं, और हम लोग जा रहे हैं
शायद आधा किलोमीटर और बचा हुआ है ट्रैक। आधा किलोमीटर के बाद हम लोग टॉप पे होंगे, झारखंड के सबसे टॉप पे। कितना गर्व का बात है आज हमारे लिए। पर्वत राज की संपूर्ण टोको की यात्रा कर आप धन्य हुए, सच में हम धन्य हुए। क्या सनशाइन आ रहा है यार, लग रहा है जन्नत की तरफ जा रहे। श्री सम्मेद शिखराय नमो नमः, ज्ञान घटे सच कुरन के संग, मान घटे पर के घर जाए, पाप घटे पुण्य दान किए, योग मिटे कछु औषधि खाए। चले, क्या बात है भैया, के लिए एक लाइक यार जरूर से देना। यहाँ पे बहुत सारे रोड से इधर भी जा रहे हैं, ये शायद उस वाले पहाड़ में जाता है, ये ओला पहाड़ में जाता है रोड। अच्छा, वो कितना दूर है? एक डेढ़ किलोमीटर। सबसे ऊंचा यही है, सबसे ऊंचा यही है। तो चलो सबसे ऊंचे की तरफ चलते हैं जी। कैसा, क्या बात है, देखो। अरे पगला, ठीक से बेहतरीन आलू चॉप का आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अविश्वसनीय, अप्रतिम शब्द सुनो। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना, हमें भी बढ़िया लग रहा है। सो गाइस, फाइनली अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम पहुंच चुके हैं पारसनाथ। यार ऊपर जो मेरे को अभी देखने को मिला ना, 15 मिनट से मैं वही चीज देख रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे सामने है पारसनाथ टेंपल, झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक। और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को नज़ारे दिखाऊं तो शायद ही आप लोगों ने झारखंड में ऐसा नज़ारा देखा होगा। सो जस्ट सी एंड फील द व्यू गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते सो फाइनली गाइज, यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं मंदिर पे। एंड ये है यहाँ का मंदिर, यू कैन सी। Thank you.
फाइनली गाइज ये था पारसनाथ मंदिर और यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लोकल्स लोग से, तो यहाँ की क्या विशेषता है मंदिर की? लेकिन पारसनाथ तो फेमस है ही। लेकिन यहाँ पे ध्यान लगाया जाता था कई महीनों, मधुबन का समेत शिखर का प्रसिद्ध जैनों का तीर्थ स्थान है पारसनाथ भगवान, और झारखंड का सबसे ऊंचाई पे। हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचाई पर्वत है। आप लोग कब से काम कर रहे हो? आप लोग कब से यहाँ? समुद्र तल से ऊंचाई इसका 5480 फीट। हाँ, वर्ग फीट है, 5480 वर्ग फीट। सो फाइनली गाइज ये था पारसनाथ टेम्पल, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, मस्ती वर्थ आना यार। झारखंड में आते हो तो यहाँ पे जरूर से विजिट करना, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि झारखंड में इतना बेहतरीन लोकेशन है। अब हो रहा है रात, सनसेट हो चुका है, हमें उतरना है करीबन 10 किलोमीटर नीचे, नहीं 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर हम लोग 17 किलोमीटर चढ़े हैं और 1 किलोमीटर पैदल चढ़े। अच्छा, वो लंबा वाला रोड से? जी जी जी, बाइक से है ना इसीलिए। तो 18 किलोमीटर करीबन हम लोगों को उतरना है रात में, और फ्यूल की भी कमी है गाड़ी में, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे भी वीडियो काफी लंबा बन गया है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही कर देना यार, सच में आज बहुत मजा आया। तो दोस्तों मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से एक और नए एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद जय भारत।